बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इससे पहले इंट्रो हम पढ़ चुके हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है टू मेन टाइप्स हैं उसकी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पर क्वालिटेटिव की भी फर्दर टाइप है 1, 2। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आइंस और कंपाउंड प्रेजेंट इन सैंपल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइंस और कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सैंपल, जो हमारे सैंपल है उसमें क्या आइंस और कंपाउंड मौजूद हैं। जिस तरह हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, इस तरीके से और भी कोई और टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दे में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस और मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, हमारे पास किसी भी नेचर में हो सकता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस डज नॉट मेयर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बट मेयर द क्वालिटी ऑफ डेट मटेरियल। क्वांटिटी नहीं बल्कि वो मटेरियल की क्वालिटी चेक करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इस क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म बाय सेलेक्टिव केमिकल रिएक्शन विद यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल टेस्ट और फ्लेम टेस्ट के जरिए जो है हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। फर्दर डिवाइड द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस जो है आइडेंटिफिकेशन करती है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप और उनमें से किस तरह की कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये सब फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पर इन्होंने इसमें केमिकल डाला हुआ है, केमिकल डाला हुआ है। अब यहाँ केमिकल जो है फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से वाइट प्रिसिपिटेट बन जाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ HFCl, ये मतलब हेलोजन फैमिली है। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक में क्या किया है, इन्होंने सॉल्ट टेस्ट किए हैं। ये सारे सॉल्ट हैं, सॉल्ट्स को उन्होंने जब हीट दी, आग दी, तो उनके उसके जो हैं सॉल्ट्स के इस तरीके से कलर्स बन गए। यहाँ पर जो है हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये कलर्स बन गए आग में, कलर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो है इसका टेस्ट करने के लिए बनाया, चेक टेस्ट करने के लिए कि इसके कलर्स कैसे आ रहे हैं। वो उससे हमें पता लगेगा कि कौन से कलर जो है किस गैस में से निकल रहा है, तो वो क्या चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स फ्लेम टेस्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है लिथियम क्लोराइड है, तो उसके साथ रेड फ्लेम चल रही है। इसी तरीके से सोडियम जो है उसके साथ भी क्लोरीन, पोटाशियम के साथ भी क्लोरीन। अगर हम ज़्यादा गौर करें तो ये सारे क्लोरीन जो है, क्लोरीन टेस्ट, ये सारे क्लोरीन जो लिखा हुआ है, ये हमारे सारे हेलोजन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब मेटल और नॉन मेटल जो है उनको आपस में मिले हुए रेडियम, रेड और क्रिसमोन, ये इनके कलर्स भी हैं। ब्लू, लाइट ग्रीन फ्लेम, ब्लू ग्रीन फ्लेम। तो ये इनके जिस तरीके से हम इनके टेस्ट करेंगे, इनको आग में रखेंगे ना, आग जलाएंगे स्पेचुला में लेकर, किसी भी सैंपल लेकर, सॉल्ट का किसी भी सॉल्ट का सैंपल लेकर हम उसको आग देंगे तो जलाएंगे, तो उससे हमें कलर्स, डिफरेंट कलर नज़र आएंगे। इस वजह से इनके डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, कितनी अमाउंट जो है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस की है, तो इस वजह से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इट डील्स विद द नंबर ऑफ क्वांटिफाइंग मेथड विच आर क्लासीफाई एज फिज़िकल और केमिकल। यहाँ पर हमारे पास जो है लार्जर नंबर ऑफ आइडेंटिफाई मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें हम फिज़िकल और केमिकली इजीली देख सकते हैं। फिज़िकल मेथड जो है इसमें क्या होगा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, डेंसिटी, टेम्परेचर, कलर्स, इन्फ्लुएंस, लाइट इन्फ्लुएंस एंड टेक्सचर। द फिज़िकल मेथड यूज टू मेयर दीज पार्टिकल आर कॉल्ड फॉर ए ट्रांस इन्फ्रारेड स्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी,
रेज एलिमेंट एनालिसिस एंड एनर्जी डिसरप्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो है हम किसी भी चीज़ का एक सिंगल एटम का टेस्ट कर निकाल सकते हैं कि ये कौन सा एटम इसमें मिला हुआ है। फिजिकल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट आर शेयर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है फॉरिएर ट्रांसफॉर्मर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉरिएर ट्रांसफॉर्मर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास सोर्स दी हुई है, जो चीज़ हमें गेट होगी उसका स्पेक्ट्रा भी बनेगा। यहाँ पर भी हमारे पास ये मशीन है एटॉमिक स्पेक्ट्रो, एटॉमिक स्पेक्ट्रो इसके एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है वही तो एक्टिव होके अपने आप अनस्टेबल होता है, तो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ये वाले जो है इसमें भी, इस मशीन में भी हम जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है इसमें हम थ्री एलिमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। एनर्जी डिस्ट्रप्टिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमने अक्सर देखा है एक्सरे वालों के पास इस तरह का मशीन जो है होती है उनके पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन है ये। पर हमारे पास जो है वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना हो जाए। अब केमिकल मेथड जो है इसमें क्या हो रहा है, केमिकल मेजर केमिकल रिएक्शन सच एस प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, वॉल्यूमेट्रिक एंड मेयर बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड कंबस्शन रिएक्शन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है। हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी।